हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल देव दीक्षित सॉन्ग्स। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। उम्मीद करता हूं चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम पढ़ रहे थे भारतीय वित्तीय प्रणाली, उसका एक बड़ा भाग जिसको हम बोलते थे मुद्रा बाजार या मनी मार्केट। और मनी मार्केट में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे और काफी कुछ पढ़ चुके थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमने दो भाग देख लिए और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हम तीसरा भाग देख रहे हैं, जिसमें हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार देख रहे थे। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमने दो कार देख चुके हैं, एक नोट निर्गमन मतलब पैसा कैसे छपता करेंसी इश्यूइंग, और दूसरा सरकार के बैंक के रूप में क्या क्या काम करती है, ट्रेजरी बिल जारी करती है, रेपो रेट क्या होती है और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। प्लीज मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं आपको पूरा इकोनॉमिक्स का कोर्स कराऊंगा, बस शर्त आप पुराने वीडियो देखते रहे, नहीं तो क्या होगा आने वाली वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा ये निवेदन है आपसे कि आप लगातार मेरे साथ बने रहें और पुराने वीडियो देखते रहें। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम बैंकों के बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम। ये क्या क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के बैंक के रूप में? तो सबसे पहले तो भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 जो है वो ये है कि इसके तहत ही बैंक में रेगुलेशन होता है किसका, बैंकों के काम का। और इस अधिनियम के तहत सबसे शीर्ष बैंक कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यानी फिर से देखते बैंकों के बैंक के रूप में क्या काम करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन भारत में। भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 जो है इसी के तहत क्या करती है, ये काम करती है। और इसमें शीर्ष बैंक कौन सी है, इसमें शीर्ष बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो शीर्ष बैंक होने के नाते क्या क्या काम करती, सबसे पहले ये करती बैंकिंग कार्य की अनुमति देती। यानी जितनी भी बैंक है वो भारत में बैंकिंग कार्य कर पाएंगे इसकी अनुमति कौन देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यदि कोई नई बैंक खोलना चाह रहा तो उसकी अनुमति कौन देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एनबीएफसी जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं आपको, उनको भी परमिशन क्या दिया, उनको भी रेगुलेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देशी या विदेशी या कोऑपरेटिव या पेमेंट बैंक, किसी भी तरह की बैंक है तो कहां आएगी, वो आएगी रिजर्व बैंक के अधीन। किस अधिनियम के तहत, भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949, ये आप क्लियर कर लें, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस देती है बैंकिंग कार्ड का, नई ब्रांच खोलने की परमिशन देती है। इसके अलावा लोन उपलब्ध कराती है, लोन किसको उपलब्ध कराती है, अनुसूचित बैंकों को। वो सारी बैंक जो रिजर्व बैंक की अनुसूची दो में लिस्टेड हैं, सूचीबद्ध हैं, उनको सबको क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन उपलब्ध कराती है, ऋण उपलब्ध कराती है ऋण देने के लिए। अनुसूचित बैंक कौन सी बैंक होती है, जो दूसरी अनुसूची में दर्ज होती है, इनको ऋण उपलब्ध कराती है, आप समझ गए। नीति व दिशा निर्देश जारी करेगी, किसके लिए, नीचे वाले जितने भी बैंक्स हैं उनको सबके लिए क्या करेगी, दिशा निर्देश जारी करेगी। और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए काम करेगी, सबसे मुख्य काम क्या है, ग्राहक के हितों की रक्षा के लिए काम करेगी कौन, आरबीआई। और ग्राहक के हितों की रक्षा के लिए काम करते समय अगर कोई आवश्यक कदम उठाना पड़ेगा तो वो उठाएगी। जैसे कुछ काम जो कर रखे हैं वो कौन कौन से हैं, एक इन्होंने सीआरआरआर तय कर रखा, क्या, कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षण अनुपात, किसने तय कर रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। कैसा, कि जितने भी बैंक हैं उनके पास जो नगद जमा होगा, नगद जमा मतलब जो भी बैंक में नगद जमा हुआ है उसका एक निश्चित प्रतिशत उनको क्या करना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नगद के रूप में रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा, नगद के रूप में। ये नगद के रूप में कहां जमा करना पड़ेगा, कुल जमा का एक निश्चित परसेंट, उस परसेंट को ही हम क्या बोलते हैं, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। जैसे मान लो अगर उनके पास कैश रिजर्व रेशियो का प्रतिशत कितना है, 10% अगर सीआरआर का परसेंटेज है और कुल जमा 100 रुपए है तो इसमें से 10 रुपए क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा और 90 रुपए किसके पास बचेंगे, बैंक के पास बचेंगे। ये इसका कंसेप्ट है, ये हमें आगे काम पड़ने वाला है वो हम देखेंगे, क्योंकि अभी क्रेडिट कंट्रोल हम इसी वाले टॉपिक में देखने वाले। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो तो बने रहे, मैं बीच बीच में क्वेश्चंस भी आपसे पूछता हूं इसमें, और आपको कमेंट करने के लिए उसमें आंसर को कमेंट करने के लिए कहता हूं। कई लोग क्या है पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और थैंक यू सर बहुत अच्छा वीडियो था सर इस टाइप से लिख देते हैं, ये गलत बात है, आपको पूरा वीडियो देखना है, क्वेश्चन का जवाब देना है, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको कुछ समझ में आया। दूसरा ऐसा ग्राहकों के हितों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है वो किया है एसएलआर। एसएलआर मतलब स्टेटचरी लिक्विडिटी रेशियो या वैधानिक तरलता अनुपात। ये भी क्या है, कुल जमा का क्या है, एक निश्चित प्रतिशत जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है वो नगद या प्रतिभूति के रूप में उस प्रतिशत को क्या करना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास संबंधित बैंक को रखना पड़ेगा। ये टर्म बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे। इसी में सेम टू, अगर 100 रुपए कुल जमा है तो उसका एक निश्चित प्रतिशत क्या करना पड़ेगा, बैंक में जमा करना पड़ेगा, बचा वाला पैसा बैंक उपयोग कर सकती है। तो बैंक ग्राहक के हितों के लिए क्या कर रही है, सीआरआर और एसएलआर तय कर रही है।
ये दो चीज और क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के बैंक के रूप में काम करती है। किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं खींचा हो प्लीज खींच लें, आगे देखते हैं। मे वाले मिटाने वाले, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, वो है क्रेडिट कंट्रोल, यानी साख नियंत्रण। साख मतलब क्या? साख मतलब क्या? चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं। जब हम किसी किराने वाले की दुकान से किराना लेने जाते हैं और अगर उसका पिछले माह का किराया किराना नहीं देते हैं हम लोग, उसका बचा वाला पैसा नहीं देते हैं, तो वो बोलता है आपकी साख खराब हो गई, आपका क्रेडिट खराब हो गया। इसका मतलब जो आपकी उधार लेने की क्षमता थी या उधार लेने का जो पैटर्न था वो आपने बिगाड़ लिया है। साख का सिंपल सा मतलब होता है उधार लेने की क्षमता। आपने क्रेडिट कार्ड सुना होगा, आप बैंक से उधार ले सकते हो। क्रेडिट मतलब क्या होता है? उधार। साख नियंत्रण या क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि उधार लेने की जो क्षमता है मार्केट में लोगों की, उसको कंट्रोल करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट कंट्रोल। अब ये कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, 2016 तक ये काम कौन करता था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकेले करती थी, और इसके लिए जो पॉलिसी बनाई जाती थी उसको हम बोलते थे मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। पर 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में अमेंडमेंट करके, संशोधन करके, एक क्रेडिट कंट्रोल कमेटी बना दी गई है, या मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कमेटी बना दी गई, जिसको बोलते कमेटी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। और अब वो क्या करती है? इसका कंट्रोल करती है। तो हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है क्रेडिट कंट्रोल का। क्रेडिट कंट्रोल का अर्थ है बाजार में ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट कंट्रोल। इसी का एक तरीका है, जो वापस कर सके उसी को क्या मिले, ऋण मिले। बाजार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये चाहती है कि ऋण को हम इतना कंट्रोल कर लें, ना ज्यादा रहे ना कम रहे, और केवल उन्हीं लोगों को ऋण मिले जो लोग ऋण वापस कर सके। तो इसके लिए 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा सा संशोधन किया, वो देख लेते। इधर देखें आप सभी लोग, पहले कौन करता था? रिजर्व बैंक। अब कौन करता है 2016 के संशोधन के बाद? अब करता है, वर्तमान में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। अब हम ये देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, अच्छा एक राजकोषीय पॉलिसी होती है, वो सरकार बनाती है। राजकोषीय पॉलिसी कौन बनाती है? राजकोषीय सरकार बनाती है, याद रखें, कंफ्यूज ना। राजकोषीय नीति कौन बनाता? सरकार। मौद्रिक नीति कौन बनाता? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के साथ मिलकर। मौद्रिक नीति का मीनिंग देख लेते, या तीन नंबर में आ जाता आप कैसे लिखेंगे, बाजार में वस्तु एवं सेवा की तुलना में मुद्रा की उपलब्धता एक निश्चित स्तर पर बनाए रखने के लिए बनाई गई नीति को ही हम क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। तो 2016 के बाद से अभी वर्तमान तक क्या चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य, 3 सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं और 3 सदस्य किसके होते हैं, केंद्र सरकार के। यानी 3 सदस्य कौन कौन होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं और 3 सदस्य केंद्र सरकार इसमें क्या करती है, नियुक्त। 6 सदस्यीय कमेटी है, पर आपको बता दूं किसका अध्यक्ष, जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होगा वही इसका पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन अध्यक्ष मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होगा वो अपने आप इसका अध्यक्ष मान लिया जाएगा। बैठक कब होगी? तो कम से कम 4 बार होगी, एक साल में इस कमेटी की बैठक कम से कम 4 बार होगी, इससे ज्यादा हो सकती पर कम नहीं होनी चाहिए। निर्णय लेंगे बहुमत से, परंतु निर्णायक वोट गवर्नर दे सकता है, यानी गवर्नर जब तक वोट नहीं डालेगा, जब तक कि उलझने वाला मामला नहीं आ जाता। निर्णायक वोट कौन दे सकता है? गवर्नर। और कार्य क्या होंगे इस कमेटी के, कार्य क्या होंगे? तो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट तय करेगी, किस रेट पे, किस मिनिमम रेट पे ब्याज देना है, किस मिनिमम रेट पर ब्याज लेना है, और बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे तय कौन करेगा? ये करेगी कौन? मौद्रिक नीति के लिए कमेटी बनी है जो 2016 के बाद। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल नया टॉपिक है तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ लें। तो ये मौद्रिक नीति की परिभाषा और इसमें कौन कौन है वो हमने समझ लिया। अब हम ये देखते हैं कि जो मौद्रिक नीति बनी है बाजार में रुपए की उपलब्धता को वस्तु और सेवा की तुलना में तय करने के लिए, तो वो कैसे ये तय करती है, ये तय करने की प्रक्रिया या तरीके को ही हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट कंट्रोल। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, ओपन मार्केट पॉलिसी लेके आती है। ओपन मार्केट पॉलिसी का खुले बाजार की नीति, सभी लोगों ने पहले सुना हो, खुले बाजार की नीति से मतलब ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास जितना भी प्रपत्र और पैसा है उसको या तो मार्केट में दे देती है या मार्केट से ले लेती है। कैसे, वो देखो, 100 करोड़ रुपए का क्या है आरबीआई के पास, ट्रेजरी बॉन्ड है। मैं ट्रेजरी बॉन्ड इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, तो कृपया अगर नहीं समझना है तो प्लीज रेफर कर लें पुराना वाला वीडियो।
बहुत बड़ा वीडियो बनता है इसलिए एक साथ बनाना संभव नहीं था। 100 करोड़ रुपए के क्या है, आरबीआई के पास ट्रेजरी बॉन्ड। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया है वस्तु या सेवा के उत्पादन की तुलना में, तो वो क्या करेगी, इन ट्रेजरी बॉन्ड को धीरे से सीधे क्या कर देगी, सीधे बाजार में बेच देगी। बाजार में बेचेगी तो बाजार में ये बिकेगा तो इसका पैसा किसके पास चला जाएगा, पैसा चला जाएगा आरबीआई के पास। यानी बाजार में जितना पैसा एक्स्ट्रा लग रहा था उतने ट्रेजरी बॉन्ड बेच के बाजार का पैसा किसने उठा लिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और अब वो पैसा और वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या हो गया, लगभग लगभग बराबर हो गया, मतलब सब सेट हो गया। इसके उलट अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा लग रहा है कि बाजार में वस्तु सेवा की तुलना में क्या है, पैसे की उपलब्धता कम है, कम, तो वो क्या करेगी, अपने ट्रेजरी बॉन्ड वापस क्या कर लेगी, खरीद लेगी। तो जैसे ही ट्रेजरी बॉन्ड बाजार से खरीदेगी तो बाजार वालों को पैसा देना पड़ेगा, तो वो पैसा जैसे ही बाजार में जाएगा तो बाजार में पैसे की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि अब इसके उलट हो जाएगा, सेवा और वस्तु की तुलना में मुद्रा की उपलब्धता बराबर हो जाएगी। तो एक तरीका ये होता है जिसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट पॉलिसी, अर्थात बाजार में सीधे ही क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपने प्रपत्र को क्या करती है, खरीदने बेचने का काम करती है। क्या करती है, बाजार में सीधे खरीदने बेचने का काम करती है। एक तो सिंपल ही, इससे सीधी सीधी बात आपको समझ में आ गई, बाजार में रुपए की उपलब्धता क्या कर सकती है, वो बढ़ा सकती है या घटा सकती है। क्लियर। दूसरी चीज देखिए, दूसरी है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसको थोड़ा सा समझने का प्रकार है, हम क्रेडिट कंट्रोल को यह भी देखेंगे कि किस प्रकार होती है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों देखेंगे। अब CRR से क्या मतलब है, CRR का मतलब यह था एक निश्चित क्या है, निश्चित परसेंटेज है, निश्चित परसेंटेज है किसका, नगद जमा का, ठीक है, कुल नगद जमा का। मान लो ये परसेंटेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना तय कर रखा, 15%, कितना तय कर रखा, 15%। बैंक के पास कुल नगद जमा कितना हुआ, 100 रुपए, कितना रुपए, 100 रुपए। यानी 100 रुपए में 15 रुपए, 15% मतलब 15 रुपए किसके पास चला गया, CRR के रूप में चला गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो बैंक के पास कितना बचा, बैंक के पास बचा 85 रुपए। इज दैट क्लियर, बैंक के पास कितना बचा, 85 रुपए। अब बैंक क्या कर सकती, इसी 85 रुपए का क्या कर सकती, उपयोग, और बैंक इसका क्या उपयोग करेगी, ऋण बांटने में, और ऋण देगी इसका। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR का परसेंटेज 15 से कर दे 20, तो क्या होगा, ये 85 की जगह इनके पास बचेंगे 80, यानी रुपए की मात्रा क्या हो गई, घट गई। और यदि ये CRR का प्रतिशत 15 से कर दे 10, तो इनके पास बचेंगे 90, यानी रुपए की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। यानी इसका भी एक उपयोग क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में पैसे को बढ़ाने और घटाने के रूप में करती है। समझ में आपको आ गया। अब हम देखते हैं SLR है, SLR भी सेम टू सेम, SLR में भी सेम फंडा है, उसका एक परसेंटेज है। मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसका परसेंटेज 20 कर रखा है, इसका SLR का, और बैंक के पास कुल जमा कितना है, 100 रुपए, वही तो 20 इस 100 में से कहां चले जाएंगे, आरबीआई के पास, किसके रूप में, SLR के रूप में, तो -20 हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 80 रुपए। 80 रुपए का ही बैंक क्या कर सकती है, ऋण दे सकती है, और बैंक इसी रुपए का क्या कर सकती है, ऋण दे सकती है। पर SLR का जो परसेंटेज है उसको बैंक आरबीआई कर दे 15%, तो इनके पास कितना बचेगा, 85, और यदि इसको 25% कर देगी तो इनके पास बचेगा 75। यानी जो ऋण देने की क्षमता है बैंक की, वो SLR को कम ज्यादा करके एडजस्ट की जा सकती है। हम दोनों चीज में समझ में आ गए, CRR में भी किया जा सकता है, SLR में भी किया जा सकता है। उससे पहले हमने देखा था कौन सा, ओपन मार्केट पॉलिसी। ओपन मार्केट पॉलिसी में ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब मात्रा जो रुपए की उपलब्धता है बाजार में, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये तीन चीज हम डायरेक्ट डायरेक्ट समझ गए। अब हमें देखना है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट मतलब क्या, पहले देखते रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या। पुराने वीडियो में मैं इसको बहुत अच्छे से समझाया, आप बस इसको समझ ले। रेपो रेट मतलब, रिवर्स रेपो रेट मतलब, मैंने रिवर्स से अच्छा आपको समझाया था कि रिजर्व बैंक जो है आरबीआई इंटरेस्ट क्या करती है, इंटरेस्ट या ब्याज देती है इस रेट पे,
ठीक है, इसको जिससे पैसा ले रही, पैसा जिससे भी ले रही, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, वही वित्तीय संस्थान से, जिस से भी आरबीआई पैसा लगी, जिस ब्याज दर से ब्याज देगी उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। इतना सवाल में आ गया, मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10% रखा है, किसको, आर 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 को, रिवर्स रेपो रेट को कितना रखा है, 10%, और मार्केट से 1,000 करोड़ रुपए उसको मार्केट से मिल गया, मार्केट से मिला। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस 10% वाले रेट को कम या ज्यादा कर दे, तो मान लो इस 10 को कर दे रिजर्व बैंक 15%, कि अगर कोई हमें पैसा देगा तो हम उसको 15% ब्याज दर से ब्याज देंगे, तो हो सकता है इस 1,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए, 5,000 करोड़ हो जाए। क्यों, क्यों हो जाएगा बैंक पैसा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा वापस मिलने की संभावना 100% है, डूबने की संभावना 0। आम आदमी के पास आप लोन दोगे और उससे पैसा वापस मिलेगा ब्याज दर के साथ, इसकी संभावना 19-20 हो सकती है, क्योंकि उसको तो बैंक जानती नहीं, केवल उसके कागज जानती, केवल नो योर कस्टमर। पर यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा मिलने की संभावना विथ ब्याज पूरी पूरी, तो सारी बैंक्स कोशिश यही करेंगी कि अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा हो तो अपना पैसा किसको दे दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दें और क्या करें, सुरक्षित बेहतरीन बैठे। पर यदि रिजर्व बैंक इस 10% को कर दे 5%, तो फिर क्या होगा, जब ब्याज दर बहुत कम मिलने की संभावना होती है तो बैंक फिर ये सोचती है भली थोड़ा बहुत पैसे के रिस्क हम उठा ले, हमको क्या करना चाहिए, लोन ग्राहक को ही देना चाहिए, ब्याज दर अच्छी मिलेगी। यानी कि रिवर्स रेपो रेट से भी सीधी संभावना बन रही है कि अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगी तो मार्केट से पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ज्यादा आ जाएगा, और अगर रिवर्स रेपो रेट कम होगी तो मार्केट से पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कम आएगा। यानी अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी तो मार्केट में पैसा कैसे होगा, मार्केट में पैसा घटेगा, और ये घटेगी तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा। समझ में आ गया, आपको रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया। सेम टू सेम क्या होगा, बिल्कुल डिक्टो प्रणाली किसमें अपनाई जाएगी, रेपो रेट में भी अपनाई जाएगी। अब हमने अभी तक क्या चीज देख ली, 4 चीज, कौन कौन सी, SLR, CRR और कौन कौन था, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, ये हमने देखा मार्केट में पैसा, ये चारों बढ़ेगी तो मार्केट में पैसा घटेगा। समझ में आ गया कैसे, 1, 2, 3, 4, ये चारों बढ़ेंगी तो मार्केट में पैसा क्या होगा, घटेगा, और ये चारों अगर घटेंगी तो क्या होगा, मार्केट में पैसा बढ़ेगा। समझ में आया, यानी दोनों मार्केट के पैसे से इनका कैसा संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, SLR, CRR, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन मार्केट का पैसा, मार्केट में उपलब्ध पैसा, यानी ये बढ़ेंगी तो ये घटेगा और ये घटेंगी तो ये बढ़ेगा, सिंपल। इस फॉर्मूले को आप याद रखें थोड़ी देर के लिए, अभी इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता आपको महंगाई में और मुद्रा स्फीति में पड़ने वाली। ये 4 चीज आपको समझ में, अब मैं आपको एक चीज और ऐसी बताने वाला हूं जो जनरली बताई नहीं जाती या पढ़ाते नहीं है, पर क्वेश्चन में बहुत आ जाती, इसको बता रहा हूं, प्लीज अगर स्क्रीनशॉट नहीं किया तो खींच ले फटाफट। अब मैं आपको बताने वाला हूं पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोक व्यय मतलब क्या, अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको पढ़ा दी तो मैं इसको बता दूं, तो मुझे थोड़ी जगह मिल जाएगी, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरा पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये अभी काम पड़ने वाला है, एक्सपेंडिचर यानी लोक व्यय या हम कह सकते हैं सरकारी खर्चा, इसको हम बोलते हैं सरकारी खर्चा,
अब सिंपल से एक बात बताओ कि सरकारी खर्च बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा घटेगा, और सरकारी खर्च घटेगा तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा घटेगा? कॉमन सेंस लगाओ, एक सेकंड का मैंने टाइम दिए, सोच लिया? अब मैं चालू करूं। मान लो सरकार के पास 20,000 करोड़ रुपए है और सरकार ने एक पुल, दो पुलिया, एक रोड और कुछ मनरेगा में, कुछ महिला बाल विकास में और कुछ ग्रामीण विकास में ये पैसा बांटना है। सरकार ने वो पैसा बांट दिया, तो जब सरकार का पैसा बटेगा तो किसके पास जाएगा? आम आदमी के पास किसी न किसी तरह पहुंचेगा। वो कैसे? हम एक सर्कल देते, इससे तो ये सिद्ध होगा कि सरकारी खर्च बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा। इतना तो आप समझ लो कैसे मार्केट में पैसा बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मार्केट में ही जाएगा। सरकारी खर्च बढ़ा, मार्केट में पैसा बढ़ा, कैसे जाएगा? सरकार एक पुल बनाना चाहती है, कितने का पुल? 2,000 करोड़। पुल में ठेकेदार, ठेकेदार के पास कितने आदमी होते हैं? सीमेंट वाला, डीजल वाला, ड्राइवर, गिट्टी, लोहा, तो बहुत कमी लिख दिया, और लेबर भी ले भाई, लेबर। और इस सरकार ने एक पुल बनाने का ठेका किसको दिया? ठेकेदार को दिया, कितने? 2,000 करोड़ रुपए। तो क्या ठेकेदार पूरे पैसे खा जाएगा? नहीं, ठेकेदार को लोहा खरीदना पड़ेगा, ठेकेदार को गिट्टी खरीदनी पड़ेगी, ठेकेदार को सीमेंट खरीदनी पड़ेगी, ठेकेदार को डीजल भी चाहिए, ठेकेदार को उनकी गाड़ी चलाने वाले, डंपर चलाने वाले ड्राइवर भी चाहिए, और उसमें काम करने वाले लेबर भी चाहिए। और ये लेबर शाम को पैसा लेके जाएंगे किराना वाले के पास। किसके पास जाएंगे? किराना की दुकान। और कुछ लेबर दारू की दुकान पे भी जाएंगे, दारू, और कुछ लोग फुल्की भी खाएंगे, फुल्की, और कुछ लोग कपड़े भी ले लेंगे, कोई चप्पल भी लेगा। और ये डीजल वाला क्या करेगा? अपने डीजल डालने वाले को देगा पैसा, डालने वाले को, और वो भी घुमा फिरा के कहां जाएगा? किराने वाले के पास। सीमेंट वाला सीमेंट फैक्ट्री के पास पैसा जाएगा, फैक्ट्री अपने वर्कर को देगी, लेबर को, लेबर फिर वही दारू की दुकान या किराने वाले के पास जाएगा। मतलब ये पैसा टिका नहीं रहने वाला एक जगह। सरकार ने पुल बनाने ठेका ठेकेदार को दिया, और वो ठेकेदार से वो पैसा पता लगा किराने की दुकान, दारू वाले के पास, फुल्की वाले के पास, फुल्की वाले के पास, आटे वाले के पास, आटे वाले वाले चक्की वाले के पास, गेहूं वाले के पास, किसान के पास, घूम घुमा के, मतलब पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट होना ही होना है, ये पक्का हो गया, फिक्स हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर सरकारी खर्च बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा, और ये पैसा पूरे लोगों तक पहुंच जाएगा किसी न किसी तरह, घूम घूम के इसके पास से उसके पास, उसके पास से उसके पास। और ये जो सरकार का पैसा है, ये नीचे तक पहुंच जाना, निचले स्तर तक पहुंच जाना, इसी को बोलते हैं विकास का टपकन का सिद्धांत। यानी विकास भले ऊपर स्तर पे हो, वो रिस के कहां तक पहुंच जाता, नीचे तक पहुंच जाता, इसी को बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी या टपकन सिद्धांत या विकास के रिसाव का सिद्धांत। ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, लोगों समझ में आता है। यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर से कहीं ना कहीं सरकार के इस पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिसे ट्रिकल डाउन थ्योरी कहीं ना कहीं क्या है, टच है, टपकन का सिद्धांत आपको समझ में आ गया। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा, इतना बार आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं कहां पर? क्रेडिट कंट्रोल पर। क्रेडिट कंट्रोल कैसे होते? चार चीज हम ऑलरेडी देख चुके, पांचवा और इसमें जोड़ते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। ट्रिकल डाउन थ्योरी मैंने आपको समझा दी थी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी हमने देखा CRR है, SLR है, रिवर्स रेपो रेट है, और रेपो रेट है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर में पांचवा PEE लिख रहा हूं, इसमें बढ़ना मार्केट में पैसा, घटना मार्केट में पैसा। ये बढ़ी, मार्केट में पैसा घट गया, ये बढ़ा, मार्केट में पैसा घट गया, ये भी बढ़ा, मार्केट में पैसा घट गया, ये भी बढ़ा, मार्केट में पैसा घट गया, ये बढ़ा तो मार्केट में पैसा बढ़ गया, और यहाँ उल्टा, ये घटा तो ये बढ़ा, ये घटा ये बढ़ा, ये घटा ये बढ़ा, ये घटा ये बढ़ा, परंतु यहाँ ये घटा तो ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये पांचों चीज आपको समझ में आ गई। CRR बढ़ेगी मार्केट में पैसा घटेगा, SLR बढ़ेगी तो भी मार्केट में पैसा घटेगा, और कुल मिला के ये चार बढ़ेंगी तो घटेगा, और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा, वो हम समझ। ये तो है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो फंक्शंस जिनसे वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती या क्रेडिट को कंट्रोल करती, जब भी उसको मार्केट से पैसा खींचना रहता है इन चारों को बढ़ा देती है और इसको घटा देती है। सरकार को सलाह देती है कि आप क्या करें, अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करें, सरकारी खर्च कम करें, सरकारी खर्च कम करें। और यदि उसको ऐसा लगता है कि मार्केट में वस्तु और सेवा की तुलना में पैसा घट रहा है तो इन सबको कम कर देती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है। सरकार को बोलती है थोड़ा सा आप क्या करें, अपना खर्च बढ़ा लें। ये तो आपको समझ में आ गया, ये है सर इसके चार पांच टूल। पर एक क्वेश्चन फिर बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, जो आसानी से किताब में नहीं मिलता है, मिलता भी है तो समझ में नहीं आता, पूछा जाता है गुणात्मक साख नियंत्रण, या एक और पूछा जाता है मात्रात्मक साख नियंत्रण। दोनों को समझ गए। गुण मतलब क्या होता है? गुण मतलब ये, मान लो ये तीन पेन है, अगर मैं ये बोलूं 20 रुपए के पहले तीन पेन आते थे और अभी मुझे 20 रुपए के चार पेन चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे? आप इनकी क्वालिटी में क्या कर दोगे? अंतर ले आओगे, थोड़ी घटिया क्वालिटी कर दोगे और वो जो पैसा बचेगा उससे एक पेन और बना दोगे घटिया क्वालिटी के, चार पेन। और यदि मैं ये बोलूं कि मुझे क्वालिटी में कोई अंतर नहीं चाहिए, संख्या भली कम ज्यादा हो जाए, मुझे 20 रुपए की पेन चाहिए, तो आप पहले से महंगे हो गए तो आप एक पेन कम कर दोगे, दो बनाओगे पर अच्छे बनाओगे, दोनों चीज में अंतर समझ में आ गई। तो पहले जब हम ये कर रहे थे तो गुणात्मक मतलब गुण में अंतर आना, क्वांटिटी में अंतर नहीं आना, और यहां मात्रात्मक मतलब मात्रा में अंतर आ जाना, संख्या में अंतर आ जाना, गुण में अंतर नहीं आना। गुणात्मक से मतलब क्या होगा? देखो आप समझ, पहले मात्रा तक समझ लेते तुमको समझ में आ जाएगा। CRR, SLR, इन दोनों से क्या होने वाला था? अगर इन दोनों का रेट मान लो 10% फिक्स किया है और बैंक के पास 100 रुपए थे, तो 10 रुपए कहां चले जाएंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। बैंक के पास बचेंगे 90 रुपए। और यदि ये बढ़ जाए, 10 से बढ़ जाए कितना, 15, तो रुपए की मात्रा घट गई, इनके पास अब कितना बचा है? 85। यानी ये किस पे असर पड़ गया? मात्रा पे। यानी कहीं ना कहीं CRR और SLR दोनों से क्या हो जाता है? मात्रा में परिवर्तन आ जाता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में भी सेम होगा, इनसे भी मार्केट में आने वाला पैसा कम ज्यादा होता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं क्या होगा, मात्रा में अंतर आएगा। पर यदि बैंक रेट कम ज्यादा करे, बैंक रेट में आपको पूरी शब्दावली अभी पढ़ाऊंगा, बैंक रेट वो रेट होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देती है। तो एक बैंक आई, पहले उस बैंक रेट थी 10%, बैंक ने 5000 करोड़ किससे मांगे थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मांगे थे, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि ये जो 5000 करोड़ आप लेके जा रहे हैं उस पर मैं आपसे 10% ब्याज लूंगा। बैंक वाले ने ओके किया, पैसा लेके चला, एक साल के बाद पैसा वापस कर दिया। दोबारा उसने 5000 करोड़ मांगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि 15% पे क्या लगेगा, 15% ब्याज लगेगा। यानी बैंक रेट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी कर दी? 15% कर दी, रुपए में कोई कमी नहीं की। यानी कि अगर आपको 5000 रुपए चाहिए, 5000 करोड़ चाहिए, तो आप 5000 करोड़ लें, पर उसमें आने वाले गुण जो है, पहले 10% था 15% हो गए, इसका क्या मतलब हुआ कि क्वांटिटी में अंतर नहीं आया, क्वालिटी में क्या हो गया है, अंतर आ गया। तो ये क्वालिटेटिव कंट्रोल है। ऐसी बहुत सारी चीजें जिनसे मात्रा पे रुपए के या ऋण की मात्रा पे कोई अंतर ना आए, बस उसकी क्वालिटी पे आ जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोल देती है कि अगर किसी बैंक का NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होता है जिससे जो पैसा वापस नहीं मिला वो बढ़ा, तो हम इसको लोन देना बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ये लोग लोन देना थोड़ा कम करेंगे, सोच समझ के लोन देंगे, तो उसको हम किस मिलेंगे, क्वालिटी टेब। पर CRR, SLR, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को किस में लेंगे, क्वांटिटेटिव, मतलब जिसमें कि मात्रा में अंतर आ जाए। तो ये क्रेडिट कंट्रोल के दो भाग थे, कौन कौन से, मात्रात्मक और गुणात्मक। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आखिरी काम और देख ले रहे हैं, वो है विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना। विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भारत में। और IMF जो होती है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पर मैं आपको याद दिला दूं, बार बार क्वेश्चन आता है, रिजर्व बैंक मॉनिटरी फंड में क्या करती है? भारत का प्रतिनिधित्व करती है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का प्रतिनिधित्व IMF में कौन करता है, तो सब शक पका जाते हैं, सोचते हैं कि कोई मंत्री होगा या कोई सरकारी डिपार्टमेंट होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? इसका प्रतिनिधित्व करती है। एक चीज, सारा फॉरेन रिजर्व किसके पास रहता है? फॉरेन रिजर्व या किसके पास रहता है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये फॉरेन रिजर्व होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज होती है, एक तो गोल्ड, दूसरा एसडीआर, मैं पिछले टॉपिक में थोड़ा सा इसके बारे में बताया, ये कहीं ना कहीं आईएमएफ से रिलेटेड है, जब हम आईएमएफ पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। सारी विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा प्लस विदेशी परिसंपत्ति, परिसंपत्ति का मैंने मतलब बताया, जिस देश की परिसंपत्ति है अगर वो उस देश की मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है तो वो सब क्या कहलाती, परिसंपत्ति कहलाती। फॉरेन रिजर्व में कौन कौन सी चीज होती है, ये चार चीज। नॉन ऑफिशियल बात करें तो ये होता है कि कोई भी विदेशी आदमी जब भारत में आता है, भले वो बिजनेस जमाने आए, वो अपना काम करने आए, शेयर मार्केट में पैसा लगाने आए, किसी भी काम से आए, घूमने आए, वो अपने देश की मुद्रा लेके आता है, तो इस मुद्रा को क्या वो भारत में चला सकता है, नहीं, भारत में चलता रुपए। तो इस मुद्रा को बदलता कौन है, रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा ऑथराइज की गई कोई बैंक की शाखा या कोई बैंक, तो हम उसको बोलते हैं, और जो मुद्रा वो लेके आता है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टॉक में रख लेती, फॉरेन स्टॉक में या फॉरेन, और फिर फॉरेन रिजर्व में रख लेती और उसको एक्सचेंज करती, एक्सचेंज मतलब बदलती है, जिसको हम विनिमय बोलते हैं, एक्सचेंज करती है किसका, विनिमय करती है किसका, विदेशी मुद्रा का भारतीय मुद्रा में। तो इस विनिमय करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस नियम का पालन करती है, तो 2000 तक फेरा नाम का एक नियम हुआ करता था, एक्ट हुआ करता था, जिसको बोलते थे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। फिर से आप देख लें, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, इसको 2000 में क्या कर दिया, खत्म कर दिया। 1999 के एक्ट जो कि 2000 में लागू हुआ था, कब लागू हुआ, 1999 में बना और 2000 में लागू हुआ, जिसको बोलते थे फेमा। इसका फुल फॉर्म इतनी बार बैंक में पूछा गया कि पूछिए मत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये इसकी तुलना में थोड़ा सा क्या है, नर्म है, कम कठोर है, जिसको बोलते हैं क्या है, कम कठोर। ऐसा क्यों किया होगा कम कठोर, उसकी वजह बताता हूं, मेंस में काम पड़ सकता है। 1991 में भारत ने अपनी इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए खोल दी, जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, अगर हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक्स में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जब बाकी देशों के लोगों ने यहां आना चालू किया, फॉरेन एक्सचेंज करना चालू किया या अपनी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बदलना चालू किया, तो फेरा उनके अनुरूप नहीं हो पा रहा था पहले, क्योंकि कम एक्सचेंज होता था, आजकल ज्यादा होने लगा था 91 के बाद। तो सरकार ने फिर उसमें संशोधन किया और 2000 से क्या कर दिया, फेमा लागू कर दिया, कम कठोर, आसानी से एक्सचेंज आप कर सकते। तो इस नियम के तहत क्या करती है, भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बदलती है या एक्सचेंज करती है, पर जिस रेट पे बदलती है वो उसने दो कर रखे हैं, एक रखा है फिक्स रेट, फिक्स्ड रेट, और एक फ्लोटिंग रेट। फिक्स्ड मतलब फिक्स और फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ रेट। फिक्स रेट मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तय कर दिया, कोई भी आदमी डॉलर लेके आएगा हम उसको $1 के बदले में ₹60 देंगे, भले वो कोई भी हो। और एक रेट वो तय करके रखा है कि कोई भी व्यक्ति आएगा डॉलर लेके आएगा, तो जिस दिन वो बदल रहा है उस दिन इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की कीमत जो होगी हम उतने रुपए उसको दे देंगे। ये दो रेट फिक्स कर रखे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, किस किस खाते पे ये लागू है, किस पे खाते पे लागू नहीं है, ये जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट या विदेशी व्यापार पढ़ेंगे तब ये बहुत अच्छे से आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तब हम समझ लेंगे। अभी वर्तमान के लिए आप बस इतना समझ लें कि ये दो तरह के फ्लोटिंग, दो तरह के एक्सचेंज रेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करता है, एक को बोलते हैं फिक्स, एक को बोलते हैं फ्लोटिंग। इतना आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम। अब इसके बाद हमारा छोटे छोटे जो टॉपिक छूट रहे हैं वो ये है, नाबार्ड 1982 में जो बनी है, इसके अलावा मुद्रा स्फीति क्या होती है, इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक जो आर